हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता लक्ष्मी और इंद्रदेव की एक अद्भुत कथा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माँ लक्ष्मी देवराज इंद्र के यहाँ पहुँची और उन्होंने कहा, इंद्र मैं आपके यहाँ निवास करना चाहती हूँ। ये बात को सुनकर देवराज इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, आप असुरों के यहाँ बड़े आदर पूर्वक रहती थी, वहाँ रहते हुए आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। मैं आपसे कई बार स्वर्ग पधारने की विनती कर चुका हूँ, लेकिन आप नहीं आई। आज जब आप बिना बुलाए मेरे यहाँ आई है, तो इसका क्या कारण है, कृपया मुझे बताए। देवराज इंद्र की बातें सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, कुछ समय पहले असुर भी धर्मात्मा थे और अपने सभी कर्तव्य पूरी तरह से निभाते थे, लेकिन अब असुर भी अधर्मी कृत्य में लिप्त हो चुके हैं, जिस वजह से मेरा वहाँ रहना संभव नहीं है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, जिस जगह प्रेम के बदले ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध पनप जाए, बुरे विचार आ जाए, वहाँ मैं नहीं रह सकती। इसीलिए मेरा विचार है कि दूषित वातावरण में मेरा निर्वाह संभव नहीं, इसीलिए इन दुराचारी असुरों को छोड़कर मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ, क्योंकि ये एक सद्गुण स्थान है। माता लक्ष्मी की ये बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, हे माता लक्ष्मी, वो कौन कौन से दोष है जहाँ आप निवास नहीं कर सकती। तब माता लक्ष्मी ने कहा, इंद्र असुर बड़े दुराचारी है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, जब भी कोई बड़े बुजुर्ग सत्पुरुष ज्ञान विवेक या धर्म की बातें करता है, तो ये असुर उनका उपहास करते हैं, साथ ही उनकी निंदा भी करते हैं, जो पूरी तरह से अधर्मिक कृत्य है। जिस घर में पाप अधर्म स्वार्थ रहता है, उस घर में माँ लक्ष्मी किसी भी तरह का कोई आशीर्वाद नहीं देती। इसके अलावा गुरु माता पिता बड़ों का सम्मान नहीं करते, मैं उनके यहाँ निवास नहीं करती। जो बच्चे अपने माता पिता को पलट कर जवाब देते हैं, उनके माता पिता का अनादर करते हैं, बिना कारण अपने माता पिता से विवाद करते हैं, ऐसे लोगों पर मेरी कृपा नहीं होती। दोस्तों, माता लक्ष्मी और इंद्र के इस संवाद से हमें ये सीखने को मिलता है, जहाँ पर अधर्म और बुराई रहती है, माता लक्ष्मी उस स्थान को छोड़कर चली जाती है। जीवन में आप कहीं भी पहुँच जाए, अहंकार और दुर्भावना अपने अंदर ना आने दे, अन्यथा माता लक्ष्मी आपका त्याग कर सकती है। दोस्तों, ऐसे ही सुंदर जानकारियों के लिए आपके अपने YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।